एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहे पर डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध सघन एवं संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि डीजल काले ऑटो चालक महानगर में चलने के लिए उनकी अनुमति नहीं है। जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगा है तथा लोग बम्पर से नंबर को ढक रखा है, ऐसे वाहनों को आरटीओ विभाग के सहयोग से और यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग एवं चालान की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि 128 काले ऑटो और ई रिक्शा जो फॉर्मेट है फिटनेस के लिए हर क्षेत्र में चलते हुए पाए गए, उनके विरुद्ध एमबी एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही साथ वाहनों के आगे पीछे लिखे नंबर प्लेट को लोहे के बम्पर से ढक कर चलते हैं, जिसे नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उन 181 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन कराए चलने वाले ई रिक्शा, कम उम्र के बच्चों द्वारा बिना लाइसेंस के चलाए जाने वाले के विरुद्ध भी चालान एवं सीजर की कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर एआरटीओ वीके सिंह, एआरटीओ संजय झा, यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, डीजल चालित वाहन हैं, डीजल चालित ऑटो, वो गोरखपुर शहर में अनुमन्य नहीं है। इसके अलावा ऐसे ई रिक्शा, ऑटो और बाइक जिन्होंने स्टैंडर्ड प्रकार की नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा रखी है या नंबर प्लेट को ढक रखा है, ऐसे सभी वाहनों को आरटीओ विभाग के सहयोग से, एआरटीओ श्री वीके सिंह और श्री संजय कुमार झा के सहयोग से एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग एवं चालान की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग 65 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि जो डीजल चालित वाहन है वो सभी कृपया करके नगर क्षेत्र की 16 किलोमीटर सीमा से बाहर चलाएँ और सभी वाहनों के सभी प्रकार के प्रपत्र
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के अलावा फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सारे पेपर के लिए कंप्लीट रखें और बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ई रिक्शा सबसे पहले उसके बाद डीएल होना चाहिए और डीएल उसी के नाम में होना चाहिए जो उसका मालिक है, केवल वही उसके लिए चला सकता है। और चलाते समय कोई उसमें वो ना करें, कोई मॉडिफिकेशन ना करें बाहर के बॉडी में, नंबर प्लेट उनकी स्पष्ट रूप से देखें, सवारी की ओवरलोडिंग ना करें, उनके लिए केवल ड्राइवर के अलावा चार सवारी अनुमति है।